Welcome you all in the Bagadiyawal Vidya Niketan online classes. In the chapter 5, Formula and Function in Excel, the next topic is reference to another worksheet. The cell reference can be copied from one worksheet to another. अपन सेल रेफरेंस को कॉपी कर सकते हैं एक सीट से दूसरे सीट में. द टू वे टू द क्लास द यूज दीज रेफरेंस. इसके दो तरीके हैं. फर्स्ट आता है वो आता है कॉपी एंड पेस्ट मेथड और सेकंड आता है वो आता है सीट रेफरेंस मेथड. तो अपन बात करेंगे कैसे अपन कॉपी पेस्ट ऑप्शन और कैसे सीट रेफरेंस मेथड से फॉर्मूला को कॉपी करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन. Then click on sheet 1 and copy the formula. Sheet 1 पे क्लिक करें, फॉर्मूला कॉपी करें. क्लिक ऑन sheet 2 एंड पेस्ट द फॉर्मूला. और sheet 2 पे जाकर क्या करें, फॉर्मूला को पेस्ट करें. लेट सी द प्रैक्टिकल हाउ टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनोदर. देन फर्स्ट यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ सम. सॉरी ये फंक्शन होगा, इनबिल्ट फंक्शन होगा. और यहाँ पर मैं एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ. देन इसको पैरेंथेसिस क्लोज करते इंटर करते तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, इसका एडिशन आ गया, मतलब सम हो गया. ये वैल्यू ऐड हो चुकी है. इस फॉर्मूला को अगर मैं कॉपी करता हूँ तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ. नेक्स्ट सीट पे जाते हैं अपन. इट मीन्स अपना फॉर्मूला कॉपी हो गया है. यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा. पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखो, पेस्ट ऑप्शन के पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं. यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो है फॉर्मूला पेस्ट करने का. तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आंसर अपना क्या आ गया है, आपका जो भी आपका जो वैल्यूज है उनका एडिशन होके आ गया है. आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला है और आर्ग्यूमेंट्स होंगे E7 से E10 तक. तो आप देख पा रहे हैं E7 से E10 तक वैल्यूज है इसके अंदर. नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, G6 से G9 तक है. इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर रेंज अलग हो सकती है, सेकंड सीट पे रेंज अलग हो सकती है, पर अगर अपन ने यहाँ से फॉर्मूला कॉपी किया है और इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इट मीन्स आपका रेंज है वो चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला कॉपी होगा और देन ये क्या करेगा, वैल्यूज को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सम कर देगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सीट रेफरेंस मेथड. अगर अपन सीट रेफरेंस मेथड के थ्रू अगर अपन फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन सीट थर्ड. एग्जांपल के थ्रू अपन देख रहे हैं कि सीट थर्ड पे क्लिक करना है. राइट द फॉर्मूला विथ इक्वल साइन. फॉर्मूला अपन को राइट करना है इक्वल साइन के साथ. देन फॉर्मूला राइट करने के बाद आप जैसे पैरेंथेसिस ओपन करते हो उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिक ऑन सीट फर्स्ट एंड सेलेक्ट द सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस सेलेक्ट करोगे एंड यूज कोमा, कोमा यूज करोगे. नेक्स्ट आप सीट टू पे जाओगे, अगेन आप सेल रेफरेंस सेलेक्ट करोगे और देन इंटर प्रेस करोगे. तो देखते हैं अपन कैसे यूज करते हैं. सपोज दैट आपकी सीट फर्स्ट है, इसमें सेमेस्टर 1 के कुछ मार्क्स दे रखे हैं. ये मार्क्स सीट फर्स्ट में है. सीट सेकंड की बात करें तो यहां पर भी आपको सेमेस्टर वाइज मार्क्स दे रखे हैं. और अपन को क्या करना है, सीट थर्ड पे इन दोनों मार्क्स को क्या करना है, टोटल करना है कि राम का टोटल यहाँ पे आए, राघव का यहाँ पे आ जाए, मानस का यहाँ पे, अर्जुन का यहाँ पे और गीत का यहाँ पे. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सीट थर्ड के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे सम. और अपन अब जाएंगे सीट फर्स्ट पे जहाँ पे आपका राम का फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स है, फिल है. तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 78 पे. देन मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला बार में जाऊंगा और यहाँ पे कोमा यूज करूंगा. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उस पर लिखा हुआ है सीट 1 D21, मतलब सीट 1 से कौन सा सेल लिया गया है, D21. अब अपन जाते हैं सीट 2 पे. सीट 2 पे अपन किसका लेंगे, 78 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सीट 2 G27. देन अपन क्या करेंगे, पैरांथिसिस क्लोज करेंगे और जैसे इंटरफेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि राम के पास है दोनों का टोटल 156 है, हो चुका है. इसको अपन ऑटो फिल के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं. तो आप देख पा रहे हैं राम के साथ राघव, मानस, अर्जुन, गीत सभी के क्या हुए हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के मार्क्स है वो ऐड हो गए हैं. ओके, तो ये था अपना सीट रेफरेंस मेथड. नेक्स्ट ये आता है, वो आता है फंक्शन इन एक्सेल.
Function are defined as a built-in formulas that are used to perform calculations. Function क्या होते हैं? Built-in formulas होते हैं जो क्या करते हैं? Calculation perform करते हैं. अपन ये कहते हैं calculation perform करने के लिए अपन या तो क्या use करते हैं? Formula use करते हैं या फिर अपन क्या use करते हैं? Function. Function है वो आपको Excel provide करता है. Formula कोई भी arithmetic expression जो एक user बनाता है. जैसे मैंने अभी use किया sum, तो sum यहाँ पे क्या होगा? Function होगा. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर राइटिंग ए फंक्शन. फंक्शन को लिखने के राइट करने के क्या क्या रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ए फंक्शन शुड स्टार्ट विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम. कि सबसे पहले आप अगर किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करोगे तो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट करोगे, देन आपका क्या आएगा? फंक्शन नेम. ए फंक्शन नेम कैन बी रिटर्न इन अपर और लोअर केस. आप फंक्शन को अपर या लोअर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं. आर्गुमेंट शुड बी क्लॉज विद इन पैरांथिसिस. फंक्शन के अंदर जो भी आर्गुमेंट देते हैं वो किसके अंदर रखेंगे? अपन पैरांथिसिस के अंदर रखेंगे. इट मीन फंक्शन के साथ जो भी आर्गुमेंट देंगे वो पैरांथिसिस के अंदर होंगे, स्मॉल ब्रैकेट में होंगे. नेक्स्ट इज नो ब्लैंक स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन द इक्वल सिंबल एंड फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट. आप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट और इक्वल साइन लगाओगे, उसके बीच में कहीं भी आपको आप ब्लैंक स्पेस नहीं लिखोगे. नेक्स्ट आएगा इफ देयर इज मोर देन वन आर्ग्यूमेंट. अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, ए कोमा शुड बी यूज टू सेपरेट द आर्ग्यूमेंट. आप क्या यूज करोगे? कोमा का यूज करोगे. सपोज देयर अपन एक एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने इक्वल साइन लिखा है सम. अब इसमें यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में भी लिख सकता हूँ. यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है तो मैंने क्या यूज कर रखा है? कोमा यूज कर रखा है. और देन मैं क्या करूँगा? इंटरप्रेस करूँगा पैरांथेसिस क्लोज करने के बाद. इसके अलावा आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बता रखा है इक्वल सम A1 टू A5. इट मींस ये क्या होगी? एक रेंज होगी. और देन अपन क्या करेंगे? इंटरप्रेस करेंगे. एक अपन एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट कि यहाँ पर मैं सब स्टूडेंट के मार्क्स है वो क्या करूँगा? सम करूँगा. तो मैं यहाँ पे सम स्टार्ट करूँगा. यहाँ पे आप अपर केस में लिखो, लोअर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं यहाँ पे अपर में लिख देता हूँ, आप लोअर में लिख के देख लीजिए. उसके बाद में अपन क्या करते हैं, आप ये देख पा रहे हो इक्वल सम और पैरांथेसिस, इसके बीच में कहीं भी मैंने स्पेस नहीं दिया है. नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? रेंज को सेलेक्ट करेंगे. रेंज मतलब कंटिन्यूस सेलेक्शन. तो सपोज दैट मैंने ये रेंज सेलेक्ट की है और देन मैं क्या करूँगा? आपका पैरांथेसिस क्लोज करूँगा. जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर जो भी इनका टोटल होता है. ओके? तो ये था अपना फंक्शन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं.